कोई भी पढ़ सकता है ऊंची आवाज में। जी बस आमीन। खुदाम के जिंदा कलाम के बारे से जानकर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। ये मुकदस पौलुस की रसूल का खत है, मुकदस पौलुस के और भी खत है, और ये भी खत जो है मुकदस पौलुस की रसूल का है। मुकदस पौलुस की रसूल को तो आप भी आप लोग सारे तकरीबन सारे लोग जो है जानते हैं, आप जान चुके हैं, और बहुत सारे कादमों से आपने मुकदस पौलुस के बारे में सुना है और सीखा है। तो मुकदस पौलुस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं मुकदस पौलुस को। कौन कौन जानते हैं मुकदस पौलुस के बारे में, ज़रा हाथ खड़ा करके पता चले। खुदा के बंदा तो कौन कौन जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं तो समझता था सारे जानते हैं, लेकिन मैंने भी काफ़ी जो है आपको मुकदस पौलुस के बारे में बाइबल में से खतों के बारे में उसके बताया, मुकदस पौलुस के बारे में उसकी हिस्ट्री बताई है काफ़ी। तो आपको चाहिए कि आप याद रखें कुछ बातें, अगर 10 बातें और 20 बातें बताई जाती हैं तो एक बात तो कम से कम खुदा के बंदों को याद रखते हैं उसके कलाम की। तो मुकदस पौलुस मशहूर शख्सियत है खुदा के कलाम में, और आपको जो है बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है, लेकिन आप याद रखें खुदा के बंदे जो हैं जो ईमान में मजबूत पाए जाते थे और आगे बढ़ने में जिंदगी में खुदा ने उनको अपने जलाल का इस्तेमाल किया, आप उनको याद रखें और उनकी ज़िंदगी को देखकर उनके नक्शे कदम पर चलकर आप उनकी ज़िंदगी से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपने हवाले की तरफ आएंगे। मुकदस पौलुस का ये खत है, इसका 10वां बाब और इसकी पहली आयत आपने सुनी है, और इसमें लिखा है पस 10वें बाब की 17वीं आयत, पस ईमान सुनने से पैदा होता है। पस ईमान किससे पैदा होता है, सुनने से। सुनने से, और सुनना किससे है, क्या सुनना है हमने, चर्च में आकर गाने सुने, गजलें सुननी, नहीं नहीं, आपस में बातें करनी है, और क्या कह सकते हैं कि घर खुदा के घर में आकर जो है हम जो है शायद और बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ कलाम नहीं सुनते और भी कुछ बहुत कुछ करते हैं जब हम खुदा के घर में आते हैं। और कलाम में लिखे हैं कि जब तू खुदा के घर को जाता है तो किसके साथ कदम रख, संजीदगी के साथ। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है कलाम के मुताबिक जो है ना तो कदम ही संजीदगी के साथ रखते हैं, और ना सिर्फ हम यहाँ पर कलाम ही सुनते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मैं बताता नहीं हूँ, बहुत सारे काम बाइबल करते हैं और पहले भी पहले ज़्यादा करती है, बुराई नहीं है, लेकिन एक बात है खुदा के कलाम कि सिर्फ हम कलाम ही नहीं सुनते और बहुत सारे काम खुदा के घर में आकर करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, खुदा के कलाम की जो है हमें तरबियत करता है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमें जो है यहाँ पर खुदा के कलाम की बातें ही बताई जाती हैं और सुनाई जाती हैं। सो जो सामने खड़ा होता है खुदा का बंदा, वो खुदा के कलाम की बातें ही आपको बताता है। आगे आपके ऊपर है कि उसको आप कबूल करें या ना करें, या उसको अपने अंदर लें या ना लें, वो आपके ऊपर है। खुदा के बंदे का काम है उसके कलाम को जो है आप तक पहुँचा देना। थोड़ी सी डेफिनेशन पर हम गौर करेंगे ईमान की, कि ईमान क्या है, ईमान क्या है, ईमान अनदेखी चीज़ों का क्या है, सबूत है। ईमान ये है कि हमारा निजात दहिंदा कौन है, यीशु मसीह है। हमारा ईमान ये है कि हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह है, और उस पर हम ईमान रखते हैं कि उसने हमारे गुनाह का कफारा देकर हमें निजात दी है। ये हमारा ईमान है। आपका ईमान है, यस प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भी ईमान ये है और मेरा भी ईमान ये है कि हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह है, उसने हमारा गुनाह का कफारा देकर हमें निजात दी है। ये हमारा ईमान है। और जब कोई भी हमसे पूछता है या हमसे बात करता है इस बारे में, तो हमारा काम है कि अपने ईमान की मजबूती के साथ उस शख्सियत को बता देना कि हमारा ईमान ये है और हमारी निजात ये है। हमारा काम है ये बताना, इसलिए कि हमारा ईमान उसके ऊपर है, और जिसके ऊपर हमारा ईमान है हमने वही बात ही करनी है। फिर देखते हैं ईमान की तफसीर पस मंजर पर जाएंगे, तो खुदा के बंदे जो थे बाइबल मुकदस में पुराने आए थे, वो देखते हैं खुदा के बंदों के ईमान के ऊपर कि उनका ईमान कितना मजबूत था। शुरू में देखते हैं पैदाइश के दौर में, तो बुजुर्ग नूह के ऊपर गौर करते हैं, तो बुजुर्ग नूह जो था उस वक्त के दौर में देखते हैं कि जब ज़मीन पर जो है उस दौर में गुनाह बहुत बढ़ चुका, तो खुदा ने देखा कि ज़मीन पर गुनाह बहुत बढ़ चुका है, तो खुदा ने ज़मीन पर नज़र की, तो खुदा को जो है बुजुर्ग नूह जो है उस वक्त नज़र आए।
जो राष्ट्रवाद था उस वक्त के दौर में, और खुदा ने उससे कहा कि वो एक कश्ती बना और उसको जो है अपने जो तेरे लोग हैं अपने मानव को साथ लेकर जो है उस कश्ती में सवार हो जा और जो जानवर है जो जो इसलिए खुदा ने उससे कहा कि उसका ईमान जो था वो खुदा के साथ था और वो खुदा के ईमान के साथ जो था वो मजबूत था पुख्ता था। इसलिए खुदा ने उसको बचा कर उसके ईमान को देख कर उसको बचाया और बाकी जो तमाम दुनिया जो थी उसको तबाह कर दी। ये ईमान है। फिर देखते हैं आगे आकर देखते हैं तो बुजुर्ग अब्राहम पर, बुजुर्ग अब्राहम के बारे में देखते हैं तो उसका ईमान उसको ईमानदारों का क्या कहा गया, पाप कहा गया। इसलिए वो भी खुदा का बंदा था और ईमान में मजबूत था और पुख्ता था और जो जो खुदा ने उससे कहा उसने किया। ऐसा ही किया उसने खुदा, जो खुदा ने उससे कहा जो बात कही खुदा ने उसने जो है खुदा की मानी और खुदा के साथ चला। उसका ईमान था और मजबूत था, सिर्फ ईमान ही नहीं था बल्कि मजबूत था और पुख्ता था। आज हमारा भी ईमान होता है लेकिन मैं कहता हूँ कि खुदा से जो बात कहे तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ईमान नहीं, हम कहते तो है हमारे ईमान है, हम कहते जरूर है लेकिन हमारा ईमान अंदर से जो है ना वो कमज़ोर है, वो खोखला है, किसी काम का नहीं। मैं कहता हूँ इसमें मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ आप नहीं मैं भी हूँ। अभी मैं एक इंसान के तौर पर बात करता हूँ कि यहाँ पर शेर आ गए तो हम सब भागते हैं, क्यों भागेंगे कि हमें अपनी जान प्यारी है। लेकिन हमारा ईमान ये नहीं है कि जिसको हम मानते हैं वो हमें बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। फिर दूसरी बात देखते हैं कि बुजुर्ग दानियल के बारे में, बुजुर्ग दानियल को देखे जब उसको शेरों की मांग में डाला गया तो क्या था कि मौत उसके ऊपर जो है वो आ रही थी, लेकिन खुदा का बंदा था और ईमान में मजबूत था, उसको पता था कि मुझे बचाने वाला मेरा खुदा है और कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसका ईमान ये था कि मुझे बचाने वाला जो खुदा है वो मुझे बचा सकता है, बादशाह कुछ भी करता रहे कुछ भी कहता रहे, और खुदा ने उसको बचाया क्योंकि वो ईमान में क्या था, मजबूत था। और फिर देखते हैं खुदा के बंदों के बारे में भी जो थे खुदा के बंदे, सत्रह वो तीनों खुदा के बंदे थे, उनके लिए भी हुक्म जारी हुआ कि उनको आग की भट्टी में डाला जाए और वो खुदा के बंदे थे और क्या था ईमान तो था लेकिन मजबूत था और पुख्ता था। इसलिए उन्होंने कहा बादशाह तूने जो कुछ तूने करना है कर ले, हमारा खुदा सच्चा है, हमको तेरी आग से बचाने की कुदरत और कुव्वत रखता है, और खुदा ने उनको बचाया इसलिए कि उनका ईमान क्या था, मजबूत था और ईमान उनका पुख्ता था। इसलिए हमारा ईमान भी जो है उनके नक्शे कदम पर होना चाहिए, हमारा ईमान जैसा पुख्ता और मजबूत होना चाहिए कि हमें कुछ भी करना पड़े खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए, उसके कलाम के लिए, तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें उसके लिए मजबूत रहना चाहिए। फिर देखते हैं ईमान के बारे में, मेरे साथ हवाला यही है रोमियो 8वां बाब इसकी 34वीं आयत तक देखेंगे, इसी में रोमियो 8वां बाब 34वीं आयत तक देखेंगे, जल्दी जल्दी कोई भी पढ़े। 35वीं आयत जो है डरेंगे नहीं बल्कि कहेंगे कि
ठीक है, हम तलवार को भी लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक आपका ईमान होना चाहिए कि आपके ऊपर तलवार भी आगे लटकाई जाए और रखी जाए आपके ऊपर, तो आपका ईमान यहाँ तक भी होना चाहिए कि हमें तलवार भी मंजूर है अपने मसीह यीशु के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मसीह यीशु के लिए और उसके तमाम के लिए। अगर तलवार भी हमारे ऊपर दी जाए, अगर हमारे ऊपर मुसीबतें भी आ जाएँ, परेशानियाँ भी आ जाएँ, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, मेरे साथ यही हवाले में रहें, रोमियों 10वें बाब की 14वीं आयत देखेंगे। इसी में रोमियों 10वें बाब की 14वीं आयत जी, यहाँ पर भी देखते हैं खुदा का बंदा कहते हैं कि मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उस सब उस पर उससे क्यों कर दुआ करें। हमारे ईमान है कि हमारे में जा दिंदा खुदा यीशु है और हम उसके आगे दुआ करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जिसका ईमान ही नहीं है तो वो दुआ किससे करेगा? जिसका ईमान ही नहीं है तो वो दुआ किससे करेगा? किसी से नहीं कर सकता। जब तक उसका ईमान नहीं है, चाहे वो बुत परस्त हो, जब जिसका बुत परस्ती पर ईमान है वो बुत से ही दुआ करेगा। और हमारा ईमान यीशु मसीह पर है, हम यीशु मसीह पर ही से ही दुआ करेंगे कि हमारा यीशु मसीह निजात दिला है। फिर आगे लिखा है, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों करते हैं? जिसका जिक्र आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है तो आप ईमान उस पर ही लाएंगे ना कि वही हमारा निजात दिला है। फिर आगे लिखा है, और बगैर मनाती करने वाले को क्यों कर सुने? बगैर मनाती करने वाले को, जिसकी मनाती आपने, जिसकी बातें, जिसके कलाम की बातें आपने सुनी नहीं, तो फिर आप उस पर ईमान कैसे ला सकते हैं? जब आपने सुन ली है, उसकी बातें सुन ली, उसकी मनाती उसके बंदों के जरिए से सुन ली, तो फिर आपका काम है कि उस पर ईमान ला और उसे अपने निजात दहिंदा कबूल करना। फिर आगे लिखा है, और जब तक वो भेजे ना जाए मनाती क्यों कर करें? जब तक हम भेजे नहीं जाते खुदा के बंदे, खुदा के लोग, जब तक भेजे नहीं जाते तो वो मनाती भी नहीं कर सकते। जब तक खुदा की तरफ से यीशु मसीह की तरफ से जो है उनको कुव्वत का लबास नहीं मिलता। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्द मकर किए तो उनको कहा कि आग में बाला में ठहरे रहो, और जब तक कुव्वत का लबास ना मिले, जब तक उनको कुव्वत का लबास नहीं मिला था, कुव्वत का लबास ये था कि पाक रू, और जब तक पाक नहीं मिला था वो बाहर नहीं निकले थे मनाती के लिए। अब जब उनको कुव्वत का लबास जो है पाक उनको मिला तो फिर वो ठहरे नहीं, फिर वो फैल गए पूरी दुनिया में। और आज देखें कि बाइबल मुकद्दस में उनका नाम है और उनके जरिया से ही ये कलाम जो है हम तक पहुंचा है, उनकी कुर्बानियों से ही। फिर आगे देखते हैं, मेरे साथ हवाला निकाले ईमान के बारे में ही, फिलिपियों 1:9 आए थे, फिलिपियों 1:9 आए पर देखें, उनके मसीह की खातर तुम पर फजल हुआ, यीशु मसीह की खातर जो है हम पर फजल हुआ है। आज हम कहते हैं कि फजल का दौर है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पहली आयत है, और ईमान के बारे में हम सीख रहे हैं, कलाम के बारे में बाद में सीखेंगे, चाहे टाइम भी लग जाए लेकिन सीखना, खुदा का कलाम याद रखना या ना रखें लेकिन सीखना जरूरी है। ठीक है, ये बात है कि मसीह यीशु की बात है, क्योंकि मसीह की खातर तुम पर फजल हुआ। अब वो मसीह यीशु ने हमारे लिए जान दी तो उसका फजल ये है कि उसने हमारे लिए जान दे दी पूरी दुनिया की खातर जो है, और हमारी खातर उसने जान दी, अपना फितिया जो है वो हमारी खातर दे दिया। ये उसका फजल है हम पर, उसकी बख्शिश है, बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी ऐसी जो है कि क्या कह सकते हैं कि किस पैसों से या किसी ऐसी चीज़ से या कोई ऐसी कुर्बानी गुजराने से, उसने अपनी कुर्बानी जो है पूरी कायनात के लिए दे दी और हमारे लिए भी। ये उसका फजल है। फिर आगे लिखा है, ये फजल हुआ ना के फक्त उस पर ईमान लाओ, ना के फक्त, सिर्फ ईमान ही नहीं लाना, पहले ईमान की बात हो रही थी जब मैं बात कर रहा था पहले,
अब अगले अगली बात है, ये कलाम कह रहा है मैं दिलमान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगले अगली बात आप कलाम कह रहे हैं वो भी आपको सुन रही है और देख रही है कि क्या है। फिर अगली बात है कि ना फक्त उस पर ईमान हो बल्कि उसकी खातिर क्या सहो दुख। आज हम बहुत कम लोग हैं यहाँ पे बंदे जो मसीह यीशु की खातिर दुख सहते हैं। उस दौर में हम पसे मुजर में जाए ना तो हमें हिस्ट्रियाँ नजर आती हैं खुदा के बंदों की जिन्होंने मसीह यीशु की खातिर दुख सहे और कुर्बानियाँ दी और पता चलता है कि वाकई खुदा के लोग थे और ईमान में मजबूत थे। ईमान जब हम कहते हैं कि ईमान ईमान पर बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि डायरियों की डायरियाँ किताबों की किताबें भर जाती हैं ईमान से जब लिखना शुरू होते हैं खुदा के बंदे, और जब देखते हैं कि ईमान में मजबूत थे और जब खुदा के बंदों को देखते हैं तो उन्होंने जो है मसीह यीशु का इनकार नहीं किया बल्कि लब्बैक कहा मसीह यीशु की आवाज़ पर। जब उनको आवाज़ पड़ी कि इस शख्सियत का इनकार करो तो उन्होंने जो है इनकार नहीं किया बल्कि उसको दिल से कबूल किया और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया खुदा के बंदों के बारे में। और आज मैं देखता हूँ आप भी देखते हैं कि आज बहुत कम है ये बात देखने में, ईमान की मजबूती में आज ये बहुत कम बात देखी जाती है कि आज हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। जब ईमान के बारे में देखते हैं तो हमारे ईमान मसीह के बारे में किसी से बात करने में हम झिझकते हैं, हम शर्मा भी जाते हैं और झिझकते भी हैं और डरते भी हैं। हमारा ये ईमान है कि हम मसीह के बारे में किसी से बात नहीं करते, उसके कलाम के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते कि शायद हमको मारेंगे या हमसे कोई ऐसा जो है हमसे ऐसा अंजाम हमारा होगा कि हम जो है शायद हमारा क्या होगा। हम बहुत सारी बातें हमारे अंदर आती हैं लेकिन मेरे से जो जब यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर आती हैं उसके कलाम की बातें हमारे अंदर आती हैं आ जाती हैं तो फिर हम किसी से भी डरते नहीं हैं। जब तक उसके कलाम की बातें हमारे अंदर आती नहीं है ना तो फिर हम डरते रहते हैं, फिर हम कांपते रहते हैं, फिर हम झिझकते हैं, शर्माते हैं, चाहे वो हमारी बहनें हों या भाई हों कोई भी हो। ये कलाम है ये जो है ये लागू नहीं है कि बहने नहीं सुनाए और भाई सुनाए, खादों के ऊपर लागू नहीं है, ये हर किसी के लिए है। और लिखा है कि हम कर रहे हैं इसलिए हुए कि उसकी मनाती करें, उसके कलाम की बातें लोगों तक पहुँचाएं जिनको नहीं पता। हमारा ये काम है, हमारी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ जिंदगी गुजारने है जमीन पर हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसके कलाम की बातें जो है दूसरे तक पहुँचाना ये भी हमारी जिंदगी में शामिल है जब हम जमीन पर रहें। फिर आगे क्या लिखा है, बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो, हमें उसकी खातर दुख सहना है। अगर हम मसीह हैं सिर्फ नाम के नहीं है बल्कि मसीह में है, क्योंकि लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि किसका था, मसीह यीशु का। तो फिर हम ऐसा रखते हैं नहीं रखते, क्योंकि मसीह यीशु का मिजाज जो था वो ऐसा था कि जब उसके शागिर्द उस पर चले तो फिर उन्होंने जो है अपने जाने कुर्बान कर दी। आज हम भी अगर ऐसा मिजाज रखेंगे तो हम भी फिर उसकी बातें करने से किसी से उसकी मनाती करने से किसी से उसके नाम की गवाही देने से फिर हम डरेंगे नहीं जब हमारा मिजाज जो है उसके जैसा होगा। हम बहुत सारी बातों में पलंदे बांध देते हैं, बहुत सारी बातें कर देते हैं किसी से लेकिन उस पर हमारा ईमान नहीं होता, सिर्फ मुँह से बयान कर देते हैं, हमारा ईमान अंदर से जो है वो मजबूत नहीं होता, हम पुख्ता नहीं होते। जब हम पुख्ता होंगे तो हमें हमारे अंदर से जो डर होगा वो खौफ जो शैतान ने भरा होगा वो उसके कलाम से खत्म और ख़त्म हो जाएगा। फिर आते हैं उसी में आए रोमियों में 10वीं बाब, ये देखा हमने ईमान के बारे में कि ईमान के बारे में हमें किस तरह होना चाहिए। खुदा के कलाम ने हमने बताया कि उसका ईमान जो है खुदा के बंदों का कैसा था और हमने आज ईमान में कलाम से सीखा कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं अगली आयत को, और सुनना किससे है, मसीह के कलाम से। मैंने पहले बोला कि हमने जो है सिर्फ टाइम पास करके यहाँ पर चले नहीं जाना बल्कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो उसका कलाम जो है हमारे ईमान को मजबूत करता है। मैं जब भी कभी गुमराह होता हूँ या शैतान मुझे काबू कर लेता है, मैं भी इंसान और शैतान जो है वो हमसे हैवी है। जब हम दुनियावी तौर पर होते हैं तो वो हमसे हैवी है और जब हम खुदा में होते हैं मसीह यीशु में उसके पाकरू में होते हैं तो फिर वो हमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमारे ईमान है। और जब हम कमज़ोर होते हैं दुनियावी तौर पर तो फिर हमें काबू कर लेता है, और जब मैं भी इस काबू आ जाता हूँ तो फिर मैं जब कलाम उसका पढ़ता हूँ तो फिर मुझे कुवत और तकलीफ मिलती है उसके कलाम से और फिर मेरा ईमान जो है उस
उसमें मजबूत हो जाता है उसके कलाम पढ़ने से। और जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर पता चलता है कि वाकई ईमान क्या है और मसीह यीशु का जो कलाम है उसके मुंह की बातें हैं वो क्या है। और फिर शैतान जो है जब उसके बातें हमारे अंदर आ जाती हैं और हमारे अंदर काम करती हैं तो फिर शैतान जो है हमारे पास में टपकता भी नहीं। यह बात याद रखें उसके कलाम की बातें जब हमारे अंदर आती हैं जब हम उसके कलाम को सुनते हैं उस पर ईमान रखते हैं और मजबूत होते चले जाते हैं तो फिर जो है हम कभी भी किसी से डरते नहीं हैं उसकी गवाही देने से उसका प्रचार करने से और उसका उसके नाम को बोलने से किसी से डरते नहीं हैं और घबराते नहीं हैं और ना झिझकचाहट महसूस करते हैं। अब ये बात हमारे ऊपर है कि हमने जो है हमारा ईमान क्या हमारा ईमान उस यीशु पर ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर तलवार भी आ जाए हमारे ऊपर ऐसा वक्त आ जाए कि हमें मरने तक का जो है टाइम आ जाए तो क्या हम उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं उसके प्रचार के लिए उसके कलाम के लिए उसकी बातों के लिए क्योंकि हमने उसके कलाम को सुन लिया है। सुनना किसे है किसी कलाम से और जब हमने सुनने लिया है तो फिर उसके कलाम को जो है हमने अपने अंदर लेना है। जब हम उसके कलाम को अपने अंदर लेंगे तो फिर हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता चला जाएगा और फिर उससे हम बरकतें शिफाएँ और मजबूती पाते चले जाएंगे। सो आज के कलाम के सिलसिले से हम सबको खुदा।